इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में 20 फरवरी को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। महंगाई के विरोध में यह बंद रखा गया है। कांग्रेसियों ने दुकानदारों से अपील की है कि वह अपनी दुकानें आधे दिन बंद रखें। बता दें कि दूध और दवाइयों की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। जिस तरह से रेट पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर, डीजल के ऊपर बढ़ाए, उसका विरोध हम सब लोग कर रहे हैं। और आज मैं अपनी विधानसभा में ये अपील लेकर घूमूंगा, जो कमलनाथ जी ने दरखास्त करी है 20 फरवरी को, हम सब व्यापारियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमारे सहयोग। 20 तारीख को माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पूरा बंद रहेगा। और भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद साहब ने कल भी अपील करी थी, और इस महंगाई को देखते हुए जिस तरह से लोग परेशान हैं, आज अपन रसोई गैस देख लें, पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, डीजल की मार से आज मीठा तेल जो खाते थे लोग वो 140 रुपये किलो पहुंच गया। लेकिन आम जनता को इसके लिए सोचना चाहिए, और 20 तारीख को सबको एक साथ होकर इस सरकार का विरोध करना चाहिए, मोदी सरकार का। अब कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर यही है कि पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक होकर इसके लिए आंदोलन छेड़ना चाहिए। विपक्ष आपके साथ है, इस महंगाई से अगर बचना है, इस सरकार से बचना है, तो एकजुट होकर सरकार को हटाना पड़ेगा। करने के लिए विधायक आरिफ मसूद साहब ने भी कल अपील करी है। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में जितने भी सब बड़े बड़े नेताओं ने, जमानी जगवीर सिंह, कमलनाथ जी ने, सब ने अपील करी है, और सबको सपोर्ट करना चाहिए। इस महंगाई को देखते हुए सबको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आने जाने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सोई भी है उसकी नींद खुलनी चाहिए। आम आदमी परेशान है, गरीब परेशान है। आज खाने की चीज़ें, डीजल पेट्रोल के मारे खाने की चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं दिन पे दिन, सबसे ज्यादा गरीब इंसान परेशान है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का यह बंद कितना सफल रहता है, और क्या व्यापारी इस बंद के समर्थन में कांग्रेस के साथ आएंगे। बोल इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से सुफियान सिद्दीकी के साथ नावेद अली की रिपोर्ट।